दोस्तों आज हम कवर करेंगे आईसीसी की जो क्रिकेट रैंकिंग की हाल ही में दोस्तों लिस्ट आई है उसके बारे में। इसमें हम टीम की रैंकिंग देखेंगे, प्लेयर की रैंकिंग देखेंगे, मैन और वुमेन दोस्तों दोनों देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए क्योंकि दोस्तों अभी वर्ल्ड कप होने वाला है और 19 मई को ये रैंकिंग लिस्ट आई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हाल ही में अब एग्जाम होने वाले हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन टीम कौन सी है। तो हाल ही में दोस्तों जो रैंकिंग आई है तो उसमें जो पहली पहले नंबर पर टीम हो जाएगी, एक दिवसीय की बात कर रहा हूं दोस्तों, यानी कि ओडीआई की, वनडे की, तो दोस्तों ये इंग्लैंड की टीम है। वनडे में कौन सी है दोस्तों, इंग्लैंड की टीम है। आगे दोस्तों टेस्ट मैच क्रिकेट में नंबर वन टीम कौन सी है। तो टेस्ट मैच की अगर बात करें तो नंबर वन टीम यहां पर हो जाती है भारत। कौन सी हो जाती है दोस्तों, भारत नंबर वन पर है टेस्ट मैच क्रिकेट में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड कप के ऊपर मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। वर्ल्ड कप में दोस्तों किसने कितने रिकॉर्ड बनाए, यानी कि शतक किसके ज़्यादा थे, रन किसके ज़्यादा थे, विकेट किसके ज़्यादा थे, तो दोस्तों वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है तो क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन टीम कौन सी है। तो दोस्तों T20 की अगर बात करें तो नंबर वन टीम हो जाएगी पाकिस्तान, ठीक है। तो टेस्ट में भारत, वनडे में इंग्लैंड और दोस्तों T20 की बात करें तो पाकिस्तान, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों टेस्ट मैच क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज कौन है। तो दोस्तों टेस्ट मैच क्रिकेट की बात करें तो नंबर वन बल्लेबाज हो जाएंगे अपने भारत के विराट कोहली। कौन हो जाएंगे दोस्तों, भारत के विराट कोहली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगर टेस्ट मैच की बात करें दोस्तों, टेस्ट मैच में नंबर वन गेंदबाज कौन है। तो दोस्तों टेस्ट मैच की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पैट कमिंस हो जाएंगे जो टेस्ट मैच में दोस्तों नंबर वन गेंदबाज हैं, ठीक है। आगे दोस्तों टेस्ट मैच क्रिकेट में नंबर वन ऑलराउंडर कौन है। ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं दोस्तों तो ये है जेसन होल्डर। टेस्ट मैच में दोस्तों ऑलराउंडर कौन हो जाएंगे, जेसन होल्डर हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। टेस्ट मैच में नंबर वन बल्लेबाज दोस्तों विराट कोहली, नंबर वन गेंदबाज दोस्तों पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों पैट कमिंस, और अगला है दोस्तों टेस्ट मैच में ऑलराउंडर कौन हो जाएंगे, जेसन होल्डर, ठीक है, तो तीनों चीज ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज कौन है। तो दोस्तों यहां पर भी विराट कोहली है भारत के, जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन है। टेस्ट मैच में भी दोस्तों नंबर वन बल्लेबाज, और दोस्तों एक दिवसीय यानी कि ओडीआई वनडे में भी नंबर वन बल्लेबाज विराट कोहली है। आगे दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन गेंदबाज कौन है। तो दोस्तों ये है जसप्रीत बुमराह, इंडिया के हैं, तो ओडीआई में नंबर वन गेंदबाज कौन हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, और टेस्ट में दोस्तों कौन थे नंबर वन गेंदबाज, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूं कि जो बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते तो दोस्तों वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल इसकी नॉलेज भी होगी, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है, नहीं इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो यहां से कवर कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल एग्जाम में कर देंगे। तो आगे अगर बात करें तो दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन ऑलराउंडर कौन है। तो दोस्तों नंबर वन ऑलराउंडर हो जाएंगे राशिद खान, ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएंगे नंबर वन ऑलराउंडर, राशिद खान। और दोस्तों टेस्ट मैच में ऑलराउंडर कौन थे, जेसन होल्डर थे, ठीक है, वो वेस्ट इंडीज के थे दोस्तों, जेसन होल्डर, और राशिद खान दोस्तों अफगानिस्तान के हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं, सनराइजर हैदराबाद से। आगे दोस्तों T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज कौन है। तो दोस्तों ये है बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज हो जाएंगे बाबर आजम, ठीक है, ध्यान रखते हुए चलें दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके इनको नोट कर लीजिए और दोस्तों लास्ट टाइम रिवाइज कर जाइए तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, आगे है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन गेंदबाज कौन है। तो दोस्तों ये राशिद खान है और अफगानिस्तान के दोस्तों ऑलराउंडर हैं ये, और दोस्तों हमने अभी पढ़ा एक दिवसीय में बेस्ट ऑलराउंडर कौन था, तो वो भी राशिद खान थे, सेम है दोस्तों, ये एक ही प्लेयर है। आगे दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन ऑलराउंडर कौन है। तो दोस्तों नंबर वन ऑलराउंडर T20 में हो जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, ग्लेन मैक्सवेल हो जाएंगे दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन ऑलराउंडर। चलिए अब आगे देखते हैं, अब देखिए दोस्तों पुरुषों की हमने बात कर ली, अब महिलाओं की बात करते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज कौन है। तो दोस्तों एक दिवसीय की बात हो रही है, ओडीआई की बात हो रही है, तो ये है स्मृति मंदाना। तो दोस्तों ये भारत की है स्मृति मंदाना, दोस्तों ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज है। आगे दोस्तों महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन टीम कौन सी है। ओडीआई की दोस्तों नंबर वन टीम कौन सी है महिला की, तो दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया।
कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन टीम कौन सी है? तो दोस्तों T20 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर बैठी हुई है, T20 में भी और वनडे में भी। दोस्तों ये महिला क्रिकेट की बात हो रही है तो कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, महिला में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो आगे देखते दोस्तों, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन गेंदबाज कौन है? तो दोस्तों ये है झूलन गोस्वामी, भारत की गेंदबाज है दोस्तों ये। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन गेंदबाज कौन हो जाएंगी? तो ये है झूलन गोस्वामी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन ऑलराउंडर कौन है? तो दोस्तों ये है एलिस पेरी। कौन है दोस्तों? एलिस पेरी है महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन ऑलराउंडर। तो दोस्तों आगे देखते हैं, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज कौन है? तो दोस्तों T20 में जो नंबर वन बल्लेबाज है महिला T20 में, तो दोस्तों ये सुजी बेट्स है, ठीक है। कौन है? सुजी बेट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन गेंदबाज कौन है? तो दोस्तों T20 में गेंदबाज की अगर बात आती है, नंबर वन बताना है, तो ये है मेगन सूट। तो दोस्तों मेगन सूट हो जाएंगी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नंबर वन गेंदबाज, ठीक है। आगे दोस्तों, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में नंबर वन ऑलराउंडर कौन है? तो दोस्तों ये है डियांड्रा डाटिन। कौन हो जाएंगे दोस्तों? डियांड्रा डाटिन। तो दोस्तों ये वेस्टइंडीज की खिलाड़ी है जो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में दोस्तों नंबर वन ऑलराउंडर है। तो दोस्तों ये रैंकिंग थी ICC की जो हाल ही में रिलीज हुई, तो इस पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों हम इसी तरह का वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलता रहेगा और आप एग्जाम क्रैक करोगे, मेरी ये विशेज है और बिल्कुल हम करेंगे साथ मिलकर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर लाइक करें, ठीक है। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।